नमस्कार दोस्तों, आपसे एक अदा विकेट पे स्वागत है। कैसे हो आप सभी। यूपी पुलिस की जब से भर्ती आई है तब से एक वर्ग को, एक कैटेगरी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो है सामान्य वर्ग, यानी कि जो अनरिजर्व कहलाते हैं, जनरल कैटेगरी कहलाते हैं, क्योंकि उनकी जो उम्र सीमा रखी गई है वो 18 से 22 साल। और वैकेंसी आप सभी को पता है कि पिछली वैकेंसी जो आई थी 2018 में आई थी, यानी कि 18 से अगर 5 साल जोड़ा जाए तो 18 5 23, 5 साल बाद भर्ती निकाली जा रही है। और देखा जाए तो 2024 में ही भर्ती निकाली, दिसंबर तो खत्म ही हो चुका है, 2024 में भर्ती निकाली जा रही है, 5 साल बाद भर्ती निकाली जा रही है। और भर्ती निकालने के बाद उम्र की जो सीमा रखी गई सामान्य वर्ग में वो 18 से 22 साल रखी गई है। और यही मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी और एससी और एसटी कैटेगरी में, तो ओबीसी कैटेगरी को भी 5 साल की छूट मिल रही है और एससी और एसटी कैटेगरी को भी 5 साल की छूट मिल रही है, यानी कि उनकी जो उम्र सीमा रखी गई है वो 18 से 27 साल रखी गई है। यानी कि देखा जाए सामान्य वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा अन्याय हो रहा है, क्योंकि भर्ती आई नहीं। अगर भर्ती रेगुलर आपकी आती होती, 2 साल 3 साल भर्ती आती रहती तो उतनी बड़ी दिक्कत ना होती, मगर दिक्कत यहाँ पर इस बात की आ रही है कि भर्ती बहुत साल बाद आ रही है, कोरोना के बाद भी आ रही है, 2018 से बाद भी भर्ती आई नहीं इस तरह की इतनी ज्यादा भर्ती। भर्ती की संख्या काफी ज्यादा है, मगर संख्या ज्यादा होने से क्या ही मतलब निकलेगा जब बच्चे अप्लाई ही ना कर पाए। यानी कि सामान्य वर्ग में सीट अच्छी खासी है मगर फिर भी बच्चे अप्लाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि उम्र सीमा का बहुत बड़ा जाल बिछाया गया है। 18 से 22 साल उम्र सीमा रखी गई है और जिसमें लगता है कि बहुत सारे नए बच्चे जो हैं वही अप्लाई कर पाएंगे, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं 2018 के बाद से, जिनका 2018 में सिलेक्शन नहीं हो रखा, वो ये सोच रहे थे कि वो 2000 जब नेक्स्ट वैकेंसी जब आएगी उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, तो उनके लिए कोई भी मौका छोड़ा नहीं गया। अब इस प्रक्रिया में बहुत सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो ट्विटर अभियान है, जिसमें आपका यूपी पुलिस एज रजिस्ट्रेशन करके एक टैग चल रहा है, और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कोर्ट का रास्ता देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कोर्ट में जा भी चुके हैं। मगर मैं आप सभी को इस जाल में फंसने से पहले आप सभी को एक सावधानी बताना चाहता हूँ, एक सावधानी या फिर आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ जिससे आप सभी का भला हो सकेगा। देखिए, जब कोई चीज अच्छी होती है तो उसके साथ बुरी चीजें भी उसके साथ चलती हैं, यानी कि जब कोई ऐसा मौका आता है जहां पर हम किसी का फायदा पहुंचा सकते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो उस मौके का फायदा उठाने के लिए आते हैं। तो मैं बात करने वाला हूं दलालों की। आज जो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में कोर्ट केस करने के रास्ते कमाई करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास यही एक मौका होता है, जब से एज रजिस्ट्रेशन वाला मामला चला है या भर्ती में कोई भी कोर्ट केस करना होता है तो वो बस यही काम करते हैं, वो कोर्ट का सहारा लेते हैं, बच्चों से पैसा लेते हैं, ग्रुप बनाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, बच्चों से पैसा मांगा जाता है, 1500 1000 500, जिस तरह से जिस बच्चे से लिया जा सके लिया जाता है, 1000 बच्चे 15 बच्चे इकट्ठे कर लिए जाते हैं, मतलब कि 10 लाख 15 लाख रुपए इकट्ठा करने के बाद आप सभी को पता है कि उस पैसे का क्या होता है। कोर्ट में होती है सुनवाई होती है, मगर आपको पता है ना कि जो काम कम पैसे में भी हो सकता है उस काम के लिए इतने पैसे की क्या जरूरत है। आप सभी को पता है कि ये यूपी पुलिस की भर्ती है, अगर इसमें कोर्ट में जाना तो हाई कोर्ट में सीधा जा सकते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, कहीं पर भी आप जाके इसकी अपील कर सकते हैं, पिटीशन दायर कर सकते हैं, रिट दायर कर सकते हैं, कोई भी वकील पकड़ के आप इसको कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसको मतलब कि पूरा पूरा आप इसमें बहुत सारे स्टूडेंट की संख्या ज्यादा होनी चाहिए कि 1000 स्टूडेंट होंगे तभी कोर्ट मतलब कि केस होगा हमारा मजबूत होगा, ऐसा नहीं है। अगर 10 5 15 कैंडिडेट भी हो जाते हैं तो वो भी इस तरह से हो सकता है, वकील कोई भी हो, आप कोई भी वकील पकड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर वकील ही चाहिए इसके लिए कि पर्टिकुलर वकील हो वही करेंगे, और केस के लिए 10 15 लाख रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप कोर्ट केस का विचार बना रहे हो तो इसके लिए मैं आप सभी को राय दूंगा कि पहले आप इस बात को देख लेना कि जिससे आप कोर्ट केस करवाने जा रही हो करवा रहे हो उससे पहले देखना कि उसका रिकॉर्ड क्या है और वो किस तरह का व्यक्ति है, ये आप देखना। किसी ग्रुप से भी जुड़ने से पहले, किसी को भी पैसा देने से पहले आप इस बारे में सावधान रहना कि भाई ये पैसा जा कहाँ रहा है। मुझे पता है कि अच्छी बात है कोर्ट केस करना चाहिए, मैं भी एक सामान्य वर्ग का ही छात्र हूँ, सामान्य वर्ग से ही मैंने हर जगह सिलेक्शन ले रखा है, तो मैं आप सभी से मैं जानता हूँ आपके दुख दर्द को, मैं भी समझता हूँ, मगर इस बार इस मौके को बहुत लोग गलत तरीके से फायदा उठाते हैं, तो आप इस बात को समझिएगा, ठीक है। साथ ही साथ कोर्ट केस करिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप कोर्ट में जाइए, अपने हक के लिए आप लड़ सकते हो, और सामान्य वर्ग को कम से कम 2 से 3 साल की छूट तो मिले, मिनिमम 2 साल तो आप सबको देना ही चाहिए, यानी कि 18 से 24 साल मतलब एज रखनी ही चाहिए। अगर आप देखोगे एसएससी जीडी में भी तो वहां पर भी 18 से 23 साल एज होती है, यहां पर यूपी में 18 से 22 साल के सामान्य वर्ग को 1 साल की भी छूट नहीं दे सकते। क्या 18 से 22 साल का ही युवा मतलब युवा है, क्या 27 साल वाला युवा नहीं है? इस तरह से ओबीसी कैटेगरी में भी अगर आप देखेंगे तो 18 से 27 साल तक कैटेगरी के बच्चे जा रहे हैं, एससी एसटी में जा रहे हैं 5 साल, तो क्या जनरल कैटेगरी है? मैं मानता हूँ जनरल कैटेगरी है, मगर 22 साल और 27 साल में 5 साल का अंतर आप सबको देखने को मिल रहा है। अगर यही एज
18 से 24 साल होती, 23 साल होती तो उतनी ज्यादा दिक्कत ना होती, कोरोना के बाद वैकेंसी भी आती, कोई दिक्कत ना होती। मगर दिक्कत इसी बात की है कि 18 से 22 साल जिन बच्चों ने 2018 भर्ती थी, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और जो इंतजार कर रहे थे, वो बच्चे इस भर्ती में बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि 5 साल का दायरा तो उसी समय बीत गया। 18 से 22 साल अगर आप जोड़ोगे तो केवल 4 साल का अंतर यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि एज में 4 साल का अंतर है, भर्ती आए हुए 5 साल हो चुके हैं। तो ये एज क्राइटेरिया थोड़ा सा गड़बड़ है, इस पर थोड़ा विचार करने जो होते हैं। अगर आप कोई भी स्टेप उठाते हो तो उसके थोड़ा सावधानी से उठाना, दलालों से सावधान रहना, ट्विटर अभियान को तेजी से करो, जहां पर आप सभी का हैशटैग यूपी पुलिस एज रजिस्ट्रेशन करके एक हैशटैग वायरल किया जाता है और उसको ट्रेंडिंग कराने की कोशिश किया, ट्रेंडिंग में है भी इस समय, आप उसको और ज्यादा ज्यादा ट्वीट करो अपने ट्विटर हैंडल से, जितने भी हो उनको शेयर करो ये वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोग इस ट्विटर जो भी आप सभी का हैशटैग बनाया गया इसको शेयर करें और भारी मात्रा में करें, क्योंकि देखिए फॉर्म के लिए ज्यादा दिन दिए नहीं गए हैं आप सभी के, ठीक है, जनवरी के मिड जनवरी तक आप सभी का फॉर्म सबमिट होगा, उसके बाद जो भी करना रहेगा आप सबको जल्दी से जल्दी स्टेप लीजिए और जो भी हो सकेगा मैं आप सभी के लिए वीडियो बना बना के बार बार अपडेट देता रहूंगा, ठीक है। बाकी आप सभी लगे रहिए, संघर्ष करते रहिए, हम भी आप सभी के साथ हैं। बहुत से बच्चों ने कहा कि सर बस हर कोई इस तरह की वीडियो बना रहा है, तो मैंने बोला कि मैं आपके साथ हूँ, ऐसा नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और मैं भी आप साथ लगा हुआ हूँ। कोई भी दिक्कत होगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम भी जितना हो सकेगा हम भी आप सभी का सपोर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।